आज मैं अपने लखनऊ वाले घर से अपने काकोरी अजमत नगर अपने गांव में आई और यहां पर आकर मैंने देखा कि दद्दा यहां पर बैठे हुए हैं। दद्दा लोगों को आलू बांट रहे थे, आलू दे रहे थे। कई सारे लोग थे यहां पर मदद मांगने के लिए यहां पर खड़े हुए थे। तो ये मुझे देखकर खुशी हुई कि जिन तक कोई नहीं पहुँच पा रहा था, कोई भी नहीं पहुँच पाता था, जिन तक कोई ज़रूरत का सामान नहीं पहुँच पा रहा था, उन तक दद्दा हर दिन ज़रूरत का सामान राशन पहुंचाते हैं। वो राशन किसी भी शक्ल में हो सकता है। कभी हम कभी दद्दा खिचड़ी बांटते हैं, किसी दिन चावल, कभी तेल, जैसे आज आलू बांटा, कल कुछ और, परसों कुछ और, कभी दाल, कभी कुछ। उसके बाद भी कोई बात, कोई काम हो, कोई परेशानी हो, तुम्हारे हाथ जोड़ ले बिटिया, तुम्हारे पांव ला गले, बहुत परेशानी है। अच्छा, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखो, थोड़ी दूरी बना लो, थोड़ी दूरी बना लो दीदी, थोड़ा दूर हो जाओ। ये जो गोले बने हैं ना, ये जो गोले बने, इन्हीं गोले में रहिए, ये इस गोले पे आओ। खाता बंद करा दिया, दूसरा खाता खुलाया, उसमें पैसे ने मारा आ रहा, और सबको आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा पैसा। अभी कैसे चल पा रहा है खाना? तुम्हें तो दिक्कत कुछ नहीं दीदी जी, वैसे वैसे कुछ खाया नहीं भी। और नरेगा के पैसा आता था, नरेगा का पैसे नहीं भी, ये बात है। अभी कोई काम ही नहीं चल रहा तो कहाँ से आए, और जो 500 रुपए आ रहा तो वो नहीं हमारे खाते में। कितना महीना चल रहा है तुम्हारा? हमारा 9वां महीना चल रहा है। अभी भी कुछ काम करती हो क्या? अभी काम क्या है, काम करने जब कुछ मिलता ही नहीं, काम करने क्या यहाँ जाएंगे? तो बंदी दी चल रही, खाना पीना कैसे रहेगा? वरेगा करते थे, मजदूर के माथे पे थे, मजदूरी क्या करें, बहुत परेशान हूं। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं। दूर दूर रहिएगा एक दूसरे से जितना हो सके। और चप्पल नहीं पहनी आपने? नहीं, बंदी कुत्ते उठा ले गए। चप्पल भी नहीं है? कुत्ते भी इसी गरीबी हालत में। ये भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई दद्दा है, इनसे जरूर बोल देना। ये हम तो यहाँ भले ही ना मिले, लेकिन ये तत्पर रहेंगे। जो भी दिक्कत हमारी दूर करा दे, बात करेंगे आपके प्रधान से, जो कर पाएंगे वो जरूर करेंगे आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे आपके प्रधान से। और आप अपना ध्यान रखा करो, ठीक है? ये जो गोले आप देख रहे हैं वहाँ तक हैं सारे, ये 15 से 20 गोले हैं। ये रोज़ ऐसे ही बनते हैं और रोज़ गाढ़े किए जाते हैं। ये गोले रोज़ गाढ़े किए जाते हैं और इन्हीं गोलों पे रोज़ अलग अलग 15 से 20 लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी ज़रूरत के सामान यहाँ से लेकर के जाते हैं। आज मैं अपने लखनऊ वाले घर से अपने काकोरी अजमत नगर अपने गाँव में आई और यहाँ पर आकर मैंने देखा कि दद्दा यहाँ पर बैठे हुए हैं। दद्दा लोगों को आलू बांट रहे थे, आलू दे रहे थे। कई सारे लोग थे यहाँ पर मदद मांगने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। तो ये मुझे देखकर खुशी हुई कि जिन तक कोई नहीं पहुँच पा रहा था, कोई भी नहीं पहुँच पाता था, जिन तक कोई ज़रूरत का सामान नहीं पहुँच पा रहा था, उन तक दद्दा हर दिन ज़रूरत का सामान राशन पहुंचाते हैं। वो राशन किसी भी शक्ल में हो सकता है। कभी हम कभी दद्दा खिचड़ी बांटते हैं, किसी दिन चावल, कभी तेल, जैसे आज आलू बांटा, कल कुछ और, परसों कुछ और, कभी दाल, कभी कुछ, तो कुछ ना कुछ उन तक पहुंचाते रहते हैं जो उनकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि संकट का इतना बुरा दौर है, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, 50 से 100 रुपये कमाते हैं, उनके पास कुछ नहीं है खाने को, और क्या उनके लिए कोई सोचता भी नहीं है। तो उनके लिए दद्दा सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप काकोरी में हैं या आसपास के किसी गांव में हो या फिर आपको किसी तरह की कोई ज़रूरत है, ठीक है, तो इनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो तय, आप काकोरी में आएंगे, ज्ञान सिंह बोलेंगे तो सीधे आपको घर तक पहुँचाया जाएगा। तो आप इस घर में आएंगे तो आपको जो भी ज़रूरत होगी, आपको अभी भी किसी का फ़ोन आया है वो भी उनसे कोई मदद की बात, वो उनसे फ़ोन की बात करें तो हम थोड़ा साझ हो जाते हैं, तो कोई भी ज़रूरत हो वो आपको ज़रूर करेंगे। दद्दा से आपको वो सारी मदद मिल जाएगी जिसकी ज़रूरत आपको होगी, राशन से संबंधित, अपने आपके घर से संबंधित या कुछ भी। कालिया फोन कर रहा, आटा नहीं इसके पास। क्या कालिया जब जाता कह रहा आटा नहीं है? आटा नहीं है तो बुला लिया उसको। तो रोज़ देख लीजिए, अभी भी किसी का फ़ोन आया था और कोई अभी आने वाला है यहाँ पर। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये हर दिन यहाँ पर लोग आते हैं, 10 से 15 से 20 लोग इन सारे गोलों में हर दिन लोग आते हैं और हर दिन अपने ज़रूरत का सामान लेकर जाते हैं। डिमांड करते होंगे लोग आपसे ना कि आज ये चाहिए, आज वो चाहिए।
हाँ, किसी दिन कद्दू है, किसी दिन आलू है, किसी दिन चावल है, आटा है, चलता रहता है। तो जो बन पड़ता है वो करते हैं। तो दादा अभी फोन पर बात कर ही रहे थे कि कुछ लोग और आ गए, भूखे भी आते हैं। तो आप लोगों की तो रोज यहाँ पर मदद होती है। हाँ, हो तो दादा अभी इन लोगों को आटा दे रहे हैं। हाँ, इसके आटा पहले मिला, आटा मिला, आलू सब्जी चावल ये सब दिया जाता है।